दिखेगा। महासप्तमी पर धनबाद में खुले पूजा पंडालों के पट, कोविड को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का हो रहा है पालन। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा आमदनी बढ़ाने के बजाय सरकार रो रही है संसाधनों का रोना, अपनी विफलता छुपा दूसरे पर लगा रही आरोप। परिवार लगा रहा इंसाफ की फरियाद, डॉक्टर की लापरवाही से गर्भपात के दौरान महिला की मौत का मामला, साक्ष्य छेड़छाड़ पर एडीएम ने सीएस को किया शोकॉज। धनबाद में एक दर्जन से अधिक सीसीटीवी पड़े खराब, बढ़ते अपराध के ग्राफ पर व्यापारी वर्ग को डर, अपराधियों पर कैसे रहेगी तीसरी नजर। धनबाद के मटकुरिया में नगर निगम के खिलाफ लोगों का गुस्सा, एक तरफ घरों में पानी के लिए तरस रहे लोग, दूसरी तरफ सड़क पर बह रहा है पानी। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे दुर्गा उत्सव की। महासप्तमी की संध्या धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार, सिटी एसपी आर राम कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजकों से राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया। जायजा लिया है संवाददाता राजकुमार ने। नवरात्र की आज महासप्तमी तिथि है और अभी से कुछ समय पहले धनबाद के जिले के एसएसपी और डीसी दोनों एक साथ भ्रमण कर रहे हैं, तमाम पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई पंडालों का निरीक्षण के बाद यहां पर, चूंकि ये जो नगर निगम की तरफ से जो बनाया गया पंडाल है, वहां पर पहुंचे हैं दोनों अधिकारी, साथ में कई अन्य जो जिले के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। और जो आप देख रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोविड-19 को लेकर, उसका भी पालन करके यहाँ पे जो मूर्ति का तो निर्माण कराया गया है, लेकिन जो पंडाल की ऊंचाई है और खासकर पंडाल जिस तरह से ओपन रखा गया, इसको लेकर उन्होंने जो पूजा समिति के लोग हैं उन पर कई तरह की उन्हें कई विशेष हिदायत दी है और कहा है कि सामने से जो पंडाल का हिस्सा है उसे आप कम से कम ढक दें ताकि रोड से मूर्ति लोग देख ना सकें और ऐसे में सड़क पर भीड़ कम होगी। कहीं ना कहीं जब सड़कों पर भीड़ अधिक होगी तो इससे जो सड़क यातायात है वो प्रभावित होगा। कोरोना जो संक्रमण काल है उसमें कैसे हम लोग बच सकते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा, तो सड़क जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो इसको लेकर कई तरह के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं डीसी के द्वारा भी और एसएसपी के द्वारा भी। सीधे हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पंडालों का आपने निरीक्षण किया है और लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और कहीं कुछ कमी भी पाई गई है? देखिए, इसमें जो राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ था पूजा समिति के लिए और दुर्गा पूजा आयोजन के लिए, वो निर्देश से हम लोगों ने पहले अवगत करा दिया था और अच्छी बात यह है कि अधिकांश जगहों पे इसका अनुपालन हो रहा है। जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ दिख रही है वहाँ पर पूजा समिति वालों को उसका निर्देश दिया जा रहा है। देखिए, फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है जैसा रहता था पूर्व में, अभी भी हम लोगों ने इस बार भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट पर्याप्त मात्रा में किया है। सभी थानों को जहाँ जहाँ पर भी अतिरिक्त बल की आवश्यकता, जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से आवश्यकता थी उसके हिसाब से हम लोगों ने सभी थानों को बल उपलब्ध करा दिया गया है। ट्रैफिक के कुछ एक सिस्टम है जहाँ नो एंट्री वगैरह कुछ जगह किया जाता है, कुछ जगह पे वन वे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पूर्ववत हम लोग उसको यथावत उसको ऐसे ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है कुछ कुछ इलाकों में, कहीं कहीं पर ड्रॉप गेट्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बाकी जो पंडाल हैं, पंडालों में भी हम लोगों ने विजिट किया डीसी साहब के साथ में, तो कुछ एक जो कमियां हैं जो उसके बारे में यहां पर लोगों को बता दिया गया है और उसके आधार पर सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। इसके लिए दोनों अधिकारियों ने जिलेवासियों से अपील की है। हम भी आशा करते हैं कि धनबाद जिले में
दुर्गा पूजा का यह जो त्यौहार है पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी और कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वह भी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 11 भारत। धनबाद के बेकार बांध पॉलिटेक्निकल रोड स्थित यूथ क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का सांसद पीएन सिंह ने उद्घाटन किया। पूजा पंडाल का निर्माण सांसद पीएन सिंह अपने सांसद मत से कराया है। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि मां दुर्गा की आराधना कर अपने परिवार राज और देश की सुख शांति की कामना की है। मां दुर्गा कोरोना महामारी को खत्म कर देगी। सात लाख 59,000 रुपये का बहुउद्देशीय रंगमंच जहाँ माँ दुर्गा का पूजा भी हो, दूसरे रंगमंच से जितने प्रकार के फायदा हो सकता है ये क्षेत्र के लोगों के लिए सांसद मत से बनाया गया है और उसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी ओर से भी सहयोग किया, यूथ क्लब है और इसको बहुत सुंदर ढंग का बनाने का प्रयास किया। नवरात्र के सातवें दिन काल रात्रि स्वरूप की पूजा हुई। पंडाल का पट खुलते ही श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी के पूजा पंडाल का जायजा लिया है सहयोगी अभिषेक ने। के सातवें दिन माता के पट खुल चुके हैं और आज माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। हम पहुंचे हुए धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी पूजा पंडाल में। देखिए जरा सा सीधी तस्वीर पूजा पंडाल में। इस वक्त में देखिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग जो है दर्शन कर रहे हैं और माता के अद्भुत मनोहारी दृश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार मूर्ति का जो साइज है वो काफी छोटी कर दी गई है। सिर्फ सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 4 फीट ही मूर्ति कर दी गई है और जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को विशेष रूप से मास्क पहन के आना है, अनिवार्य है। क्या कुछ मांगा आपने? परिवार के लिए तो लोग मांगता ही है, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने लिए सब सुखी रहे अवश्य ही। कोरोना को ले जाए माता जी, कोरोना भाग जाए तो सब शांति से अपना अच्छा से रहे जी। आप बताइए। बस यही कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारे कंट्री से चला जाए। यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन सभी के लिए विशेष रूप से दुर्गा पूजा के जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि किसको क्या करना है, जैसे फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य है। कुछ तो मांगा होगा ना अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि या कुछ विशेष? वही सब। देखिये बहुत सारे लोग बताते भी हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं क्योंकि दिल की बात भगवान से बताना सबको बताने की चीज होती भी नहीं है। फिर भी ये कह सकते हैं कि इस वक्त में सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि सुख शांति समृद्धि तो आए, साथ ही साथ ये कोरोना जो है जल्दी से हमारे देश छोड़कर चला जाए। सबकी मांग यही है इस वक्त में मैया से। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। कोरोना का असर इस बार दुर्गा पूजा पर भी पड़ा है। धनबाद में हर एक साल दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है लेकिन इस बार कोरोना ने दुर्गा पूजा की चमक को फीकी कर दिया है। मूर्ति और पंडालों के साइज छोटे किए गए हैं। मेला या किसी तरह के कार्यक्रम भी नहीं किया जा रहा है। जायजा लिया है संवाददाता दिलशाद खान ने। काफी ये प्रसिद्ध मैदान है और काफी व्यापक पैमाने पर यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जाता था। यहाँ पर कमेटी कुछ लोग हैं, देखते इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना का असर इस बार दुर्गा पूजा में कितना पड़ा है। बताइएगा, हर वर्ष आप लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, इस वर्ष कोरोना को देखते हुए कितना असर पड़ा है दुर्गा पूजा में? कोरोना को लेके इस बार बहुत ही असर पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो मैदान है, मैदान पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस मैदान में मेला लगते हैं, दुकान लगते हैं, ठेले खोमचे वगैरह लगते हैं, तो पूरा खाली पड़ा है। एक गाड़ी भी नहीं है और कोई भी मेला में कुछ भी चीज़ ना बिकने को है ना मेला में घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। इस साल का दुर्गा पूजा कोरोना के कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन बीमारी है तो कुछ ना कुछ तो आदमी को ये करना ही पड़ेगा ना, समझौता तो करना ही है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण जैसे अभी देख रहे हैं सब कोई मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। पिछले साल में सब में बहुत भीड़ था, इंथुजियाज्म था, इस बार सब कुछ बहुत कम हो गया है। लोगों की भीड़ नहीं है, दोस्त
भी नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे हैं, सब कोई न्यू नॉर्मल को अपना रहे हैं, और इसी कारण थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार थोड़ा कम एनर्जी है, पिछले साल बहुत ज़्यादा था। नहीं, एक्चुअली माइंड में है, अगर हम लोग एंजॉय करना चाहेंगे तो इसमें भी एंजॉय कर सकते हैं, बट देन सेफ्टी हम लोग को अपने ऊपर रखना चाहिए। कोई मास्क पहनेंगे अगर फोटो ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम, बट देन सेफ्टी मेंटेन करके हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोग घरों से अपने निकल रहे हैं वो पूजा पंडालों में आएँ तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के आएँ और बेवजह की भीड़ भाड़ ना लगे। योगी तापेश के साथ मैं दिलशाद खान, न्यूज 11। बागमारा के कतरास राजागढ़ में पिछले 400 वर्षों से राज परिवार की तरफ से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। भले ही इस बार कोरोना की वजह से इसकी चमक फीकी है, लेकिन भक्ति का उत्साह कम नहीं है। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मां की पूजा की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक। शारदीय नवरात्र के अवसर पर षष्ठी के दिन हम पहुंचे हैं कतरास राजाबाड़ी। राज परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। आज षष्ठी के दिन क्या कुछ खास पूजा जो शुरुआत की गई है, यहाँ की दुर्गा पूजा, दुर्गा महोत्सव जो शुरुआत की गई है, किस तरह से शुरुआत की है, क्या कुछ खास यहाँ पे है आप बताएंगे? ये जो आज पूजा शुरू हुई है क्या किस विधि विधान से और क्या कुछ खास महत्व के साथ? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा जितने रीति रिवाज पुराने विधि विधान से जो भी है उसी आधार पर किया जाता है। आज षष्ठी का दिन है, षष्ठी के दिन में आज बेलवरम पूजा होती है और कल फिर हम लोग माँ को लाने तालाब जाएंगे और वहाँ से हम लोग पालकी में करके उनको माँ को लाते हैं। फिर सप्तमी की पूजा होती है और उसके बाद दसवीं तक पूजा चलता है। किस तरह के क्या कुछ गाइडलाइन या यहाँ के लोग क्या यहाँ का निर्णय के लिया गया है? लॉकडाउन का जो पालन करेंगे और यहाँ का जो है जिसका मतलब आपका दो फीट गज का दूरी में रह के पूजा सामग्री करेंगे। शाम को यहाँ से जो पूजा आरंभ हो जाएगी राजागढ़ की, ये 400 साल पुरानी दुर्गा पूजा महोत्सव फिर एक बार आधुनिकता से दूर होकर, जो हर बार होता है, आधुनिकता से दूर होकर मनाई जाएगी, लेकिन सरकारी निर्देशों के पालन के साथ। बागमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक कुमार। धनबाद के गोविंदपुर में भी सभी सुरक्षा मानकों के साथ मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। बंगाल की संस्कृति और परंपरा से प्रभावित इस क्षेत्र में सदीपूर्ण तरीके से महासप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा की गई। दिखाते हैं आपको यहां के पंडाल और मूर्ति और साथ ही पूजा की कुछ झलक। महासप्तमी के मौके पर दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में कलश स्थापना कर विधिवत पूजा का शुभारंभ कर दिया गया है और मां के पट खोल दिए गए हैं। चिरकुंडा स्थित तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी दुर्गा पूजा मंदिर में भी पालकी और गाजे बाजे के साथ कॉलोनी के तालाब से कलश में जल भरा गया। शहर के बीच से जब पालकी गुजरी तो पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। इस शोभा यात्रा में लोगों की संख्या कम से कम रहे, इसको लेकर बार बार समिति की तरफ से अपील की जा रही थी। बेलभरनी पूजा के साथ शुक्रवार की सुबह मां दुर्गा के निमंत्रण देने के बाद मां बेलभरनी को षष्ठी के दिन रात्रि पहर में पूजा स्थल पर स्थापित होने के लिए निमंत्रित किया जाता है। झरिया में भी विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए इसका अनुष्ठान किया गया। We'll be right back.
खबर अभी और भी है, मगर यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा है कि राज्य सरकार आमदनी बढ़ाने के बजाय संसाधनों का रोना रो रही है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। लगातार हेमंत सोरेन सरकार केंद्र पर हमला बोल रही है और कई मुद्दों पर, जिस सरकार ना तो कटौती कर रही है एक तरफ और दूसरी ओर कई मुद्दों पर जो आवंटन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, राज्य सरकार तो विकास के कार्य को बिल्कुल ठप कर दिए। जब से सरकार बनी है तब से विकास के कार्यों को करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा जो जिला का है, यह मोदी सरकार ने नया कानून बनाया कि जिला की हिस्सेदारी होगी, जिले के खाते में पैसा है लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया। इनको क्या हक था? उल्टे धमकी दे रहे हैं कि कोयला हम यहाँ से बाहर भेजना बंद कर देंगे। रोजगार मुहैया हो रहा है कोयला से, राज्य की आमदनी हो रही है, जिला की आमदनी हो रही है और उसको बंद करने का धमकी देना। आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि राज्य का खजाना पहले ही रोकबरदा सरकार ने खाली कर रखा है, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है काम कराने के लिए। देखिए, कोई भी खजाना इनके लिए छोड़ कर क्यों जाएगा? संसाधन नहीं जुटा सकते, आमदनी नहीं कर सकते, इनका खजाना भर कर पहले से उत्तराधिकारी इनको बनाया जाए। इनको अपनी आमदनी करना चाहिए और अपने संसाधन को पूरा करना चाहिए। पहले का ये 5600 करोड़ रुपया आज का नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि आज आप क्या कैसी सरकार चला रहे हैं? पुराना पैसा आपको जब डीवीसी को देना है तो आज धनबाद की जनता और झारखंड की जनता दिन रात, मुझे खुद तजुर्ब लगता है कि कितना देर बिजली कट रहा है, तो आप पुराने पैसा को देने के लिए तैयार नहीं है, पुराने पैसे को लेने के लिए। रघुबरदास जी के बयान को लेकर विपक्ष मुद्दा, सत्ता पक्ष मुद्दा बना दिया है, बेरमो और जो चुनाव चल रहे हैं दुमका को, उस मुद्दे पर विशेष रूप से राजनीति भी हो रही है। प्रधानमंत्री को चोट 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 कहें वो थम है, रघुवर पहले तो शुरुआत ही गलत। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र पर हमला बोल रही है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। धनबाद कोलांचल में एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से दो बच्चों के सर से उनके मां का साया उठ गया है। उसके पति न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चक्रवर्ती नर्सिंग होम की लापरवाही, औरत की ली जान, औरत के पति का गंभीर आरोप। सबसे पहले आप इन ऑडियो क्लिपिंग्स को सुनिए। पहला ऑडियो। हेलो चक्रवर्ती सर। हेलो चक्रवर्ती सर। सर, आज मेरा सफाया आप किए ना, जो हम चंद्रपुरा से आए हैं तो हमको इतना दर्द काहे हो रहा है, एकदम हिला नहीं जा रहा है, ना करवट लिया जा रहा है। दर्द हो रहा है, कहाँ पर है अभी? अभी तो चंद्रपुरा आ गए हैं। चंद्रपुरा में? हाँ। दिखाइएगा प्लीज। कल आके दिखाएंगे। कल रहेंगे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है? ना। तो इतना भी दर्द किसी को होता है क्या? जी ठीक है सर, कल आऊंगे। ठीक है, अभी कोई दवाई बता देते सर, तो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। हेलो सर। हेलो
अभी कोई दवा बता देते तो मेडिकल स्टोर से लेके खा लेती मैं। दूसरा ऑडियो। हाँ लक्ष्मी जी, बोल रहे थे कि लेक इसको आ रहे हैं जी, इसका तो दर्द कम ही नहीं हो रहा, और जो पेट वाला साइड नहीं रहता है हाँ। पूरा कड़ा हो गया इसका पेट वे। सर को है ना, सर को हाँ, तो पहुँच जाता हूँ ना, अभी 2 घंटा हमको आने में लगेगा ये। हाँ पहुँच जाएगी। और दूसरा था कि अभी भी इसको दर्द, क्या पेन किलर अभी दे दें कि नहीं दे? एक तो पेन किलर दे सकते हैं ऐसे। 4 घंटा हो गया है इसे। दे दीजिए चाय बिस्कुट खिला। चाय बिस्कुट खिला के ना, कुछ बिस्कुट दे के ना, खाली पेटे तो नहीं है ना, इसे बैठा नहीं जा रहा है ना, लेकिन चाय बिस्कुट खिला के दे दी। मैम ये हार्ड क्यों हो गया है, एक बार आ जाइए ना। ठीक है मैम। तीसरा ऑडियो। हेलो लक्ष्मी मैम। हाँ कह रहे थे आज आए नहीं थे सफाई करवाने तो का मैम, कभी कभी ज्यादा भी दर्द करता है क्या? ज्यादा तो दर्द का दवा तो लिखा हुआ आपको कर रही हूँ। दर्द देखिए ना, दवाई खा लिए हैं लेकिन तभी अच्छा मैम, मेरा सर ही किए है ना, कोई और नहीं ना किया है? ना ना सर किए। आप वही थे? हाँ मतलब वो सर करके चले गए, उसके बाद वो गोल गोल टिकुलिया वाली है वो वही थी कि वो चली गई थी? वही तो चली गई थी वहाँ से। अच्छा दर्द वो सब छूने देते हैं किसी को? छूने नहीं ना देते हैं। स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है तो करने के बाद तुरंत आपको उधर सीधर भेज दिया गया। कैमरा लगा हुआ है ना वो ओटी में? कैमरा लगा हुआ है हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। दर्द बहुत कर रहा, दवाई भी खा ली है तब भी दर्द उठ। देखिए परवीन ने सब दवाई खा ली है उसमें से एक एक करके। परवीन ने सब दवाई एक गोली अभी फिर खा लीजिए, 3 घंटा हो गया ना खाए। हाँ तो उसमें का आधा खाए हैं मैम? आधा नहीं, एक गोली खाना है। अच्छा पलवी ने सर, अगर दर्द रहता है तो 3 घंटे के बाद फिर खा सकते हैं? ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक। जिस महिला की आवाज आप सुन रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस महिला ने धनबाद के चक्रवर्ती नर्सिंग होम में गर्भपात करवाया था, लेकिन फिर जो हुआ थोड़ा तो आप ऑडियो से समझ गए होंगे, बाकी पीड़ित पति की जुबानी सुनिए। घटना ये हुई थी कि सर हमारी वाइफ 3 महीना की प्रेग्नेंट थी, उसको लेकर हम डॉक्टर रेड्डी चक्रवर्ती के पास आए, वो डीएनसी किए, और डीएनसी करने के दौरान ही यूट्रस में छेद कर दिए, बच्चेदानी में छेद कर दिए, और वो 3 दिन तक फंसा के रखे अपने पास। मामला जब बिगड़ गया तो हम बीजीएस गए, बीजीएस नहीं रखा, मेडिकल ले गए, और मेडिकल में इलाज के दौरान हमारी वाइफ डेथ कर गई। अब इस मामले में आरोपी डॉक्टर का पक्ष भी सुन लीजिए। गर्भपात यहाँ नहीं कराया गया था, गर्भपात तो करा के आई थी। अच्छा। उसके बाद चेकअप में आई थी कि कहाँ दर्द रह रहा है गर्भपात के बाद भी। अच्छा। तो हम लोग उसका फोटो किए थे, देखे थे फोटो में छेदा है, बच्चेदानी में छेदा है, तो उसी के लिए हम लोग दवाई दिए थे, भर्ती भी था 2 दिन है ना। इसके बाद यहाँ से चला गया बोकारो, पेट दर्द लेके बोकारो भर्ती हो गया था। ना ना, यहाँ मेडिकल बोर्ड गठन नहीं हुआ था, गठन हुआ था सिविल सर्जन के ऑफिस में। सिविल सर्जन ऑफिस में तो जैसे नियम है, वो बोला कि हमारा डॉक्टर साहब यहीं पर केस खराब कर दिया, जैसे मरीज बोलता है हर एक मरीज डेथ होने के बाद, तो यहाँ से जाने के बाद करीब 15 दिन 1 महीने बाद डेथ हुआ है। मामला एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तक पहुँचा, जांच हुई, जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सिविल सर्जन को शोकॉज किया गया। जॉइंट हमारे था सिविल सर्जन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के संयुक्त रूप से उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया था जांच कराने के लिए। तो हमारे पूर्व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा हम लोग संयुक्त रूप से जाँच किए थे, मेडिकल बोर्ड भी कराया गया था, उसकी रिपोर्टिंग भी कर दिया गया है। अब एडीएम जो अभी आए हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या कमेंट देते हैं उस पर भी हम लोग, अगर वो जांच करेंगे कि फिर से जांच होगा तो मान लो फिर से हम लोग जांच करा के उसको ही करेंगे, हो सकता है हायर अथॉरिटी से भी इसका जांच के लिए आदेश हो। सर इसमें इनका आरोप था, जो बबलू सिंह है इनका आरोप था कि हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, तो उसमें कई पहलू मुझे ऐसे मिले जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है,
जैसे ऑडियो टेप वगैरह की बात सामने आई है और रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं है, इस तरह से कई सारी बातें हैं। जैसे जो बड़ा ग्रेव इंजुरी के बारे में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ था और उसमें जो इन्होंने दवा दी है, इनका क्लेम है, बबलू सिंह का क्लेम है कि उस समय उन्होंने ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं किया जिसके कारण इन्फेक्शन फैल गया और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के कारण ही मेडिकल में तत्काल सर्जरी करना पड़ा और सर्जरी में डेथ हो गई, ये इनका क्लेम है। उस बारे में भी जो रिपोर्ट उसमें ढंग से चर्चा नहीं थी, तो इन सब चीज़ों पर जो मैं खुद असंतुष्ट हूँ, उनकी जो रिपोर्ट भेजी गई है और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया है कि जो कई साक्ष्य हैं जिसका उल्लेख आपने नहीं किया है और ये गलत तरीके से गर्भपात कराने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और उसके दो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसके बाद उसके पति ने पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं जिले के एडीएम विधि व्यवस्था ने भी पूरे मामले में सिविल सर्जन को शोकॉज किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अनाथ हुए बच्चों को और उसके पति को इंसाफ मिलता है अथवा नहीं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 11 भारत, धनबाद। तो अपना धन्यवाद, में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज 11 भारत।